ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की जो डेट है वो है 8th of September और टाइम हो रहा है 9:04 और यहाँ पर प्री ओपन मार्केट चल रहा है। यहाँ पर निफ्टी थोड़ा सा 10-12 पॉइंट का नेगेटिव होने के बाद यहाँ पर बाइंग शो कर रहा है। यहाँ पर जो मैं अपनी एक लर्निंग शेयर करना चाहूँगा, मैंने जो लास्ट 1-2 months से देखा है, अगर प्री ओपन मार्केट में मान लीजिए मार्केट जो भी शो करता है, प्री ओपन मार्केट में अगर मान लीजिए मार्केट डीपली एक लो क्रिएट करता है बट ओपन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो उस डे में कुछ भी हो जाए पर 80-90% चांसेस ये रहते हैं कि वो उस लो को वहाँ पर लगा के आता है या तो फिर उसी डायरेक्शन में क्लोज करता है। दैट्स वाई प्री ओपन मार्केट को देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, ऑल द थिंग्स आर फॉर द एजुकेशनल पर्पस। ओके गाइस, तो प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉल साइड की एंट्रीज़ को यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ऊपर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, स्टिल हमको देखना होगा कि मार्केट कंटिन्यू कर रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस। तो मार्केट जैसा भी बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल में मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम कॉल साइड में एंट्री में बैठे हुए हैं। ओके गाइस, यहाँ पर 45,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, हमको उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चलना होगा।
ओके गाइस, टाइम हो रहा है 9:53 और हमारे जो हैं प्रॉफिट ड्रॉडाउन होके अगेन 1000 के नियर बाय आ गए हैं, बट स्टिल हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट नहीं आया था, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट्स को बुक नहीं किया। तो वेट करेंगे, मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में है, यहाँ पर जो है सपोर्ट फॉर्मेशन हो सकता है, स्टिल ओवर भी पॉजिटिव है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको होल्ड करूँगा। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 11:33 और लगभग 2 घंटा हमने पोजीशंस को होल्ड करके रखा। यहाँ पर अभी पोजीशंस में कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो वेट करेंगे। ओके गाइस, तो प्राइस में कंटिन्यूशन के चांसेस हैं, यहाँ पर हम प्राइस को यहाँ पर होल्ड करेंगे। थोड़ा अभी एक कंटिन्यूस एकदम से ब्रेकआउट हुआ है, मैं देख लेता हूँ ये लो कितना है, 100 के लो से मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट कर चुका है। तो ये था जैसे कि सेकेंड या थर्ड आउट ऑफ मनी, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड होगी, बट यहाँ से प्राइस कंटिन्यू करना चाहिए। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होके भी कंटिन्यू करता है, तो अब हमें वेट करना चाहिए। मेरे टारगेट्स थोड़े से दूर हैं, स्टिल मैं वेट करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट मैंने लगा के रखा है।
ओके गाइस, 10,000 क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा मोमेंट और आ सकता है, जस्ट मैं वेट करके वेरी क्विकली बुकिंग प्लान करूँगा। ओके, तो हमने एक प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है, 10,600 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट अभी हो चुका है। ओके गाइस, तो ये सब चीज़ें जो हैं लर्निंग से पॉसिबल होती है। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, देख सकते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ था, हम वेट कर रहे थे बिकॉज ऑफ कि हम प्राइस का नेचर जानते हैं, दैट्स वाई हमने पोजीशंस को होल्ड किया और यहाँ पर इन प्रॉफिट्स को देखने को मिला। ये अभी और कंटिन्यू कर रहा है, बट हमने अगर अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अब हम शांति से बैठ जाएंगे। और हो सके तो मुझे अभी थोड़ा सा दूसरा काम है, बिकॉज ऑफ कि एक प्रॉफिट हो चुका है तो अब मैं इस प्रॉफिट को सिक्योर करना चाहूँगा। प्रॉफिट अर्न करने के बाद प्रॉफिट्स को ड्रॉ डाउन करना भी मतलब वो नहीं है, तो प्रॉफिट्स को सिक्योर करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अभी यहाँ पर जो है ये ऑप्शन लगभग 100 से 120% का मूव कर चुका है, तो अब मैं इसमें और बाइंग नहीं करने वाला। तो अगर मैं कोई और ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा, और अगर नहीं तो फिर इसी को क्लोजिंग मान करके कल के दिन ट्रेड करेंगे। ओके गाइस, तो हमने ये मोमेंटम को कैप्चर किया। जस्ट देखिए आप, 15 मिनट में 2 कैंडल है, और अगर 5 मिनट में आकर के देखेंगे तो 5 मिनट की 4 कैंडल है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि सही क्वांटिटीज़ से कितने प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो जस्ट मार्केट को एक बार लर्न कर लीजिए, एक बार सीख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर काम करिए, आपको लॉसेस नहीं होंगे। लॉसेस इज़ द पार्ट ऑफ मार्केट, और यहाँ पर प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड का गेम, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, दैट्स वाई हमको अपनी रिस्क को मैनेज करते आना चाहिए। तो जस्ट आप अगर 4 कैंडल भी कैप्चर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रॉफिट्स के लेवल देख सकते हैं कि किन लेवल्स के प्रॉफिट हो सकते हैं। तो मार्केट को लर्न कीजिए, और अभी हमने देखिए यहाँ पर एग्ज़िट किया है और ये प्राइस ड्रॉडाउन हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर एग्ज़िट का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि जस्ट जो ऑप्शन है, आप देखिए यहाँ पर कहाँ मूव कर रहा है, ये इसका लो देखिए 102 यानी 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये से ये डायरेक्टली जा कर के हाई लगा रहा है 240 का, मीन्स 140% रिटर्न ऑन द प्राइस मिल रहा है आपको विद इन मिनट्स। तो कोई भी क्यों बुक नहीं करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर बुकिंग एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ये ऑप्शन 500-600 रुपये भी चला जाए, बट ऑप्शन बाइंग में हमको टारगेट्स नहीं पता होते हैं, और एज अ ऑप्शन सेलर हमको टारगेट्स पता होते हैं, तो इसीलिए हमको यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल।